CDRMGP। तो हमें ये शो करना है कि a की पावर n प्लस b की पावर n कॉमा b की पावर n प्लस c की पावर n कॉमा c की पावर n प्लस d की पावर n आर इन GP। तो पहले ये करते हैं कि अगर a b c d आर इन GP, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या करना चाहते हैं हम कि b की वैल्यू a के टर्म्स में, c की वैल्यू a के टर्म्स में और d की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लेते हैं। देखो क्या करेंगे, b अपॉन a इज c अपॉन b इज d अपॉन c, और ये रेशियो है तो मान लो कि ये लैम्डा है, रेशियो को हमने लैम्डा के इक्वल मान लिया, लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, a लैम्डा, c क्या है, b लैम्डा, पर b की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो आएगी a लैम्डा इंटू लैम्डा a लैम्डा स्क्वायर, c की वैल्यू a लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट और a के टर्म्स में। अब d यहां से क्या होगा, c लैम्डा, पर c की ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a लैम्डा स्क्वायर डॉट लैम्डा a लैम्डा क्यूब। तो यहां पर a तो है, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और a, c की वैल्यू लैम्डा और a में पता है, d की वैल्यू लैम्डा और a में हमने पता कर ली। अब ये दिखाना है कि ये एक्सप्रेशन हमारा किसमें है, GP में। तो यहां पर ये मान लो कि ये पूरा a है, ये b है और ये c है, तो रिजल्ट क्या यूज होगा, b की पावर n c की पावर n का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए a की पावर n b की पावर n और c की पावर n d की पावर n के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये जीपी में होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले LHS सॉल्व करते हैं, LHS। तो b की पावर n का मतलब क्या हुआ, a लैम्डा की पावर n और c की पावर n a लैम्डा स्क्वायर की पावर n, और पावर होल कितना है, ये तो आएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, यह आएगा a की पावर n लैम्डा की पावर n और यह आ गया a की पावर n लैम्डा की पावर 2n का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, a की पावर n और लैम्डा की पावर n हमने कॉमन लिया, तो यहां 1 प्लस लैम्डा की पावर n आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2n, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जाकर के लैम्डा की पावर n से भी इनटू होगा ना, n से इनटू होगा, तो कितना आएगा, लैम्डा की पावर 2n और 1 प्लस लैम्डा की पावर n की पावर 2, ये आ गया LHS। अब RHS सॉल्व करते हैं, a की पावर n में तो कोई चेंज नहीं होगा, b की पावर n में क्या लिखेंगे, a लैम्डा की पावर n और यहां पर इनटू है c, c की जगह क्या लिखेंगे, c इज a लैम्डा स्क्वायर की पावर n और d की जगह क्या लिखेंगे, a लैम्डा क्यूब की पावर n। हमें ये दिखाना होगा कि RHS और LHS सेम है। यहां पर देखो क्या होगा, a की पावर n लैम्डा की पावर n और यहां पर क्या आएगा, a की पावर n लैम्डा की पावर 2n, a की पावर n लैम्डा की पावर 3n। अब देखो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n, क्या बचा, 1 प्लस लैम्डा की पावर n और यहां पर क्या कॉमन आया, a की पावर n लैम्डा की पावर 2n, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस लैम्डा की पावर n। अब देखिए यहां से a की पावर n क्या हो गया, a की पावर 2n और लैम्डा की पावर 2n और 1 प्लस लैम्डा की पावर n का होल स्क्वायर, तो ये हो गया RHS। और LHS क्या आ गया, ये रहा हमारे पास LHS और यहां से LHS RHS के इक्वल है, तो ये रिजल्ट b square is equals to ac वाला है,
तो यहां से कंफर्म कर रहा है कि ये तीनों टर्म्स कितने होंगे, जीपी में।